नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्पिंग एवरी लाइफ ऑन प्लैनेट यूट्यूब चैनल। अभी लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी लोग अपने एग्ज़ाम और कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में हमें बात कर लेनी चाहिए कि आगे चल के क्या क्या नई वैकेंसी ओपन होने वाली है और क्या क्या नया करियर हो सकता है। और कुछ लोगों ने जो फॉर्म भरे हुए थे, जो ग्रामीण उपभोक्ता विकास परियोजना शिक्षा मिशन वाला, वो सब फेक है। मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें। कई हजारों लोगों के पैसे बर्बाद हुए हैं, लोगों ने 10-10, 15-15 हज़ार रुपये दे के वैकेंसी के चक्कर में अपने घर वालों का नाम खराब किया है, उनके पैसे खराब किए हैं, अपना टाइम खराब किया है। आप पैसों में ना पड़े, पैसों से आपकी नौकरी नहीं लगेगी। फेक नौकरी तो कभी भी नहीं लगने वाली है, ठीक है। और आप फोकस कर ले आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो है SSC का एग्ज़ाम हुआ। अगर जैसे ही हम ये माने कि जून या जुलाई तक ये कोरोना का जो फर्स्ट फेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, तो SSC अभी नेक्स्ट वीक अपना न्यू कैलेंडर जारी करने वाली है। तो हम वेट कर सकते हैं उस चीज़ का कि नेक्स्ट वीक देखें कि न्यू कैलेंडर के सबसे एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, ठीक है। और भी एग्ज़ाम है, RBI का एग्ज़ाम होने वाला था असिस्टेंट का, तो वो भी अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। जिन्होंने फॉर्म भरा उस चीज़ की तैयारी करिए, वैकेंसी है और बढ़ भी सकती है वो वैकेंसी। और जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे थे SI वगैरह की, वो अपनी तैयारी जोर शोर से करें क्योंकि पुलिस की वैकेंसी ज़्यादा आने वाली है, ठीक। और MSME सेक्टर से जो नौकरियाँ आएंगी वो बहुत बेटर नौकरी होंगी आगे, क्योंकि MSME ही देश की इकनॉमी को बूस्ट करने वाला है आगे चल के। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आगे चल के जो प्रोस्पेक्ट मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि अभी तो टूरिज्म और होटलिंग, ये इंडस्ट्री को थोड़ा सा नुकसान है। अभी आगे चल के भी लगभग 1 साल तक ये नुकसान रहेगा, लगभग 2 साल लग जाएंगे भी इस चीज़ को रिकवर करने में। बट चीज़ बहुत सिंपल है कि आपकी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, जो कि MSME है, गृह उद्योग और लघु उद्योग हैं, ये इम्प्रूव करेगा और ये बूस्ट भी करेगा, ये बहुत क्लियर खंडा है, ठीक है। और अब तो आगे चल के एक नया ऑप्शन आ गया कि आपको मास्क और सैनिटाइजर, तो अगर आप चाहते हैं, आप खुद की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मास्क या सैनिटाइजर का भी स्टार्ट कर सकते हैं। मास्क तो आप घर बैठे बना सकते हो, लोग ले रहे हैं अभी, बस ये आपका क्वालिटी अश्योर होना चाहिए, कॉटन के मास्क होने चाहिए, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो कि आगे चल के बूस्ट होगी, और जो एग्ज़ाम आने वाले हैं मैं उस पर बोल देता हूँ। SSC की प्रिपरेशन कर लें, ठीक है, अगर फॉर्म भरा है तो। नहीं भरा है, जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है आप उसकी प्रिपरेशन कर लें। जुलाई के बाद ही अभी एग्ज़ाम होंगे, अभी उससे पहले नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अभी भी 2 महीने का टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। जिन्होंने नहीं करी है वो भी कर सकते हैं, ठीक। आगे चल के जो फॉर्म आएंगे उनमें आपको कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग करोड़ों में फॉर्म फिल करेंगे, वे कई करोड़ों की नौकरी गई भी है। तो SSC एक एग्ज़ाम हो गया, RBI का था, ISRO का था, DRDO का एग्ज़ाम था जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और कई साइंटिस्ट पोस्ट थी। अभी जो करेंटली वैकेंसीज निकल रही हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं और लास्ट ईयर है या थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, जिस भी ईयर में, आप मेडिकल की वैकेंसीज पे ध्यान दे सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो फॉर वैकेंसी काफ़ी निकल रही है, तो आप उस चीज़ के ध्यान रखते हुए भी आप फॉलो कर सकते हैं कि किस चीज़ की वैकेंसी अभी बनी हुई है। आपको कहाँ से देखना है, आपको रोजगार समाचार पढ़ना है। रोजगार समाचार अभी भी प्रकाशित हो रहा है, उसमें वैकेंसी अभी भी आ रही है, ठीक है। और जैसे मैंने कल ही पढ़ा था कि तेलंगाना में कुछ वैकेंसी निकली हुई है, इवन अभी MP में भी निकली हुई थी। फॉर्म शायद तक होगा, आप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, लिंक मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिन्होंने अभी जो पुराने फॉर्म भरे हुए थे, खासकर मैं उन लोगों को चेतावनी दे दूँ, शिक्षा मिशन वालों को, ग्रामीण उपभोक्ता विकास परियोजना वालों को, कम्प्लीटली फेक वैकेंसी है। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, अपना करियर वेस्ट मत करें इन चीज़ों पे, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे डिटेल में कि मेरे पास जैसी लिस्ट आती है कि कौन कौन सी वैकेंसी अभी क्लियरली आने वाली है, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करूँगा आपसे। तब तक के लिए घर में बने रहिए, कोरोना का हराना है, और टाइम वेस्ट मत करिए फालतू में।
ऐसी फेक वैकेंसीज पे, और ये टाइम वेस्ट मत करिए वीडियो वगैरह देख के आप ये यूट्यूब पे फालतू के। ठीक, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, जब माइंड फ्रेश करना होगा तब देखिए, ये आपको थोड़ा बता रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलेंगे अगली वीडियो में।